टेक्निकल गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके फोन में वो भी एप्लीकेशंस ओपन नहीं हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी फोन में वो भी एप्लीकेशंस ओपन नहीं हो रही है और आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्कैप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जो देखना, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग को ओपन करनी है। जैसे दोस्तों आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर लेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग का, या आप ये सेटिंग जैसे ऑप्शन ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप्स का। आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मैनेजर ऐप का। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितनी भी ऐप रहेगी वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ से आपको सिंपली वो भी एप्लीकेशन पर ऐप क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं वो भी सर्च कर लेता हूँ, मेरे सामने वो भी एप्लीकेशन आ जाएगी। जैसे दोस्तों वो भी एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज का। आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लियर डाटा का। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लियर डाटा, क्लियर ऑल डाटा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि वो भी एप्लीकेशन का जो डाटा रहेगा, जो वायरस रहेंगे वहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद में आपके फोन में वो भी एप्लीकेशन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके भी फोन में वो भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही तो आप भी इस प्रॉब्लम को इस प्रकार आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।